खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। गाइस आपने मंदिर बहुत सारे देखे होंगे, क्या आपने कोई 400 साल पुराना मंदिर देखा? अगर देखा तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आज मैं एक 400 साल पुराने मंदिर के बारे में तो बात करने जा रही हूँ, पर वहां पर एक पुजारी के बारे में बात करने जा रही हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि मंदिर में पुजारी तो होते हैं, पर इस मंदिर में जो पुजारी है वो रॉबर्ट है। रॉबर्ट बन गया है पुजारी, तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला कहाँ का है और वो बहुत ही ज्यादा सीख दे रहा है लोगों को। तो चलिए बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अगर आपने भी कभी ऐसा पुराना मंदिर देखा है या कुछ ऐसा आप सोचते हो कि मंदिरों में भी कुछ रोबोट होने चाहिए, इस वीडियो के बाद अगर आपको लगे कि हाँ रोबोट होना चाहिए तो प्लीज हमें एक कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइस आपने मंदिर तो बहुत सारे देखे होंगे, कभी कभार आप पुराने पुराने मंदिरों में भी गए होंगे, कभी कभार आप बहुत पुराने मंदिरों में गए होंगे जहां पर माना जाता है कि अगर वहां पर जाके आप पूजा पाठ करते हो, वहां पे कुछ चढ़ावा चढ़ाते हो और अपनी विश मांगते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो वहां पर आपको सीख देने के लिए कौन होता है? वहां पर आपको सीख देने के लिए एक पंडित होता है जो कि आप ही के जैसा एक इंसान रहता है। तो कभी कभार आप कुछ ऐसे मंदिर भी देखते हो जहां पर पुरुष भी रहते हैं पंडित और साथ के साथ महिला भी पंडित रहती हैं। और कुछ ज्यादा बड़े मंदिर जब होते हैं तब वहां पर बहुत सारे पुजारी पाए जाते हैं और पुजारी अच्छी अच्छी सीख देते हैं लोगों को, धर्म की सीख देते हैं। अगर हम उनसे कुछ पूछते हैं तो हाथ जोड़ के वो सब चीजें हमें बताते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। पर आज हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 400 साल पुराना है, और उस मंदिर में जो कि जो पंडित है वो है एक रॉबर्ट। हम लोग पहले आपको बता दें कि ये है जापान का मामला, और जापान में एक बुद्ध मंदिर है जो कि 400 साल पुराना है, और वहां के जो पंडित है, 5-6 वहां पर पंडित है जो लोगों को सीख देते हैं, पर उन्हीं के साथ एक और पंडित है जो कि रॉबर्ट है। हालांकि उसको देखने में पता चल जाता है कि वो रॉबर्ट है, इंसान के जैसा नहीं दिखता है, पर वो प्रणाम करके सब लोगों को बहुत ही अच्छी सीख देता है। और इसको बनाने में कम से कम 10 लाख रुपया लगा है, और इसके जो कंधे और हाथ हैं उनको सिलिकॉन से बनाया गया है, उनको ऐसे तैयार किया गया है कि जैसे कि वो लगे कि वो स्किन है, इंसान की स्किन है। पर आप लोगों को ये लगता है कि क्या वो सीख दे सकता है? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो रॉबर्ट इस तरीके से तैयार किया गया है कि आगे आगे भी अगर जाते रहे, अगर 100 साल भी बीत जाए तो वो अपने अंदर ही वो पूरी नॉलेज ऑटोमेटिकली ही डेवलप करेगा, और ऑटोमेटिकली डेवलप करने के साथ हमारी जो आगे वाली पीढ़ियां रहेंगी उनको सब चीजों के बारे में सीख देगा। और अभी भी वो सब चीजों के बारे में सीख देता है, धर्म के बारे में सीख देता है, और लोग इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश है। और जो वहां पे 5-6 पुजारी हैं वो इस पुजारी की मदद करते हैं। जब वहां के लोगों से बात की गई, वहां के पुजारियों से बात की गई, तब वहां के पुजारियों ने ये चीज बोली कि इंसान तो मर जाते हैं पर रॉबर्ट नहीं मरते हैं, और इंसान जब मर जाते हैं तब उनके बाद वाली जो चीजें होती है, जब कुछ चीजें होती है तब उनको तोड़ मरोड़ के दूसरी पीढ़ियों को बताया जाता है, या कुछ चीजें पता होती है और उसको उसमें कुछ और ऐड करके बता दिया जाता है। और इस रॉबर्ट को यहां पर मंदिर में तैनात करने का यही एक मकसद है कि जो आने वाली पीढ़ियां रहे उन तक अच्छे से अच्छी नॉलेज पहुंच पाए कि आज के दिन में हम लोग क्या करते थे, किस तरीके से पूजा पाठ करते थे, किस तरीके से पहनावा पहनते थे, ये सब चीजों के बारे में उसके अंदर ऑटोमेटिकली नॉलेज आ जाएगी, वो ऑटोमेटिकली अपने आप को डेवलप करेगा और लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा, लोगों के लिए कोई भी खतरा नहीं है, वो लोगों को बहुत ही अच्छी सीख देता है, धर्म के बारे में सीख देता है, बुद्ध धर्म के बारे में सीख देता है। तो गाइज ये सब चीजें जो जापान ने सोची है, जहां पर मंदिर में रख दिया एक ऐसा रॉबर्ट जो पंडित का काम कर रहा है, तो क्या आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छा है, पर्सनली मुझे सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगा। क्यों इसके बारे में अच्छा लगा कि हाँ उनका मानना यह है कि आदमी तो मर जाते हैं पर सीख देने वाले जो होते हैं वो मर जाते हैं, पर उसके बाद प्रॉपरली सीख हमारी पीढ़ियों को नहीं मिल पाती, ये सही बात है। पर उन लोगों ने जो रॉबर्ट का काम किया वो भी बहुत ही अच्छा काम किया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि हम आज के जमाने में क्या करते थे। अगर 100 साल
बीत जाएं और फिर भी हमारी पीढ़ी आज के जमाने के बारे में पूछेंगी तो उनको प्रॉपरली उनके बारे में पता चल जाएगा। क्या आप भी चाहते हो कि कहीं कहीं ऐसी सब चीजें हों जहां पर इंसान काम करते हैं उनकी जगह पर रोबोट बेटर से बेटर काम कर सकते हैं और आगे वाली आने वाली पीढ़ियों को भी बेटर से बेटर नॉलेज दे सकते हैं? अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आज की जानकारी जान के आपको अच्छा लगा तो भी हमें कमेंट कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज।